हेलो बच्चों, कैसे हैं? दूसरा पार्ट में जाएंगे। दूसरा पार्ट का नाम है किताब। देखिए, इस पार्ट स्पष्टीकरण हो गया। मौखिक पार्ट में जाएंगे। मौखिक पार्ट, ओरल टेक्सुअल पार्ट। इधर शिक्षण बिंदु क्या दिए हैं कि देखेंगे। यह वह कौन है? यह कौन है? वह कौन है? पहला पार्ट में हो गया। इधर प्रश्नोत्तर के रूप में, इस पार्ट में प्रश्नोत्तर के रूप में दिए। क्या यह कलम है? यह कलम नहीं, किताब है। यह कलम नहीं, किताब है। इस मौखिक पाठ क्या है कि अध्यापक और छात्रों के बीच में कक्षा में चर्चा करने के लिए। आप पाठशाला को नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह आपको दे रही हूँ। देखिए, पहला रोमन, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। समीप के विद्यार्थी को दिखाकर, समीप को दिखाने के समय यह, और दूर की वस्तु दिखाने के समय वह, हम इस्तेमाल करते हैं समीप के वस्तुओं को दिखाते हुए। समीप के विद्यार्थी को दिखाकर, इस तरह समीप के विद्यार्थी को दिखाकर, यह कौन है? यह मोहन है। यह कौन है? यह मोहन है। यह कौन है? यह लीला है। यह कौन है? यह लीला है। अब मेरे साथ आप भी बोलिए, यह कौन है? यह मोहन है। यह कौन है? यह लीला है। अब वह इस्तेमाल करके दूर की लड़की को दिखाकर, वह कौन है? वह कौन है? वह सलमा है। वह कौन है? वह सलमा है। वह कौन है? वह राजन है। वह कौन है? वह राजन है। अगले पेज में जाइए। अध्यापक वाक्य बोलेंगे और सभी विद्यार्थी एक साथ दोहराएंगे। मैं वाक्य बोलूँगी, सुनिए पहले। यह कौन है? यह जीनी है। वह कौन है? वह रतनलाल है। यह कौन है? यह जीनी है। वह कौन है? वह रतनलाल है। अब मेरे साथ आप भी बोलिए। इधर अध्यापक और विद्यार्थी, अध्यापक वाक्य बोलने से विद्यार्थी दोहराना। इधर यह कौन है? यह जीनी है। वह कौन है? वह रतनलाल है। अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उत्तर दे। अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछने से विद्यार्थी उत्तर देना पड़ेगा। इधर यह कौन है? यह मीना है। वह कौन है? वह जीशान है। यह कौन है? यह लीला है। वह कौन है? वह अनिल है। यह कौन है? यह मीना है। वह कौन है? वह जीशान है। यह कौन है? यह लीला है। वह कौन है? वह अनिल है। अध्यापक वस्तुएं या चित्र दिखाकर प्रश्न पूछने से विद्यार्थी उत्तर दे। अध्यापक वस्तुएं या चित्र दिखाकर प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उत्तर दें। यह क्या है? यह अलमारी है। वह क्या है? वह दरवाजा है। यह क्या है? यह कलम है। वह क्या है? वह मकान है। मेरे साथ आप भी बोलिए बच्चे। यह क्या है? यह अलमारी है। वह क्या है? वह दरवाजा है। यह क्या है? यह कलम है। वह क्या है? वह मकान है। इस तरह पहले रोमन में क्या दिए? अध्यापक बोलने से विद्यार्थी दोहराना है। इधर अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछने से विद्यार्थी जवाब देना है।
इधर वस्तुएं या चित्र दिखाकर प्रश्न पूछने से, वस्तुओं को या चित्रों को दिखाकर प्रश्न पूछने से विद्यार्थी उत्तर देना है। इस तरह यह वह के रूप में प्रश्न दिए। प्रश्नोत्तर अभ्यास, अध्यापक कलम दिखाकर पूछेंगे और विद्यार्थी उत्तर देंगे। देखिए बच्चे, क्या यह किताब है? देखिए बच्चे, क्या यह किताब है? यह किताब नहीं, क्या है? कलम है। क्या यह किताब है? यह किताब नहीं, कलम है। छात्र इस उत्तर को दोहराएंगे, यह किताब नहीं, कलम है। इस तरह अध्यापक अलग अलग वस्तुओं को दिखाते हुए प्रश्न पूछने से विद्यार्थी उत्तर देना है। इधर अध्यापक दरवाजा दिखाते हुए पूछ रहे हैं, क्या वह दीवार है? दरवाजा दिखा रहे हैं, दीवार के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वह दीवार है? छात्र क्या दे रहे हैं उत्तर? वह दीवार नहीं, दरवाजा है। वह दीवार नहीं, दरवाजा है। अध्यापक अनार का चित्र दिखाते हुए, क्या यह आम है? यह आम नहीं, अनार है। इधर अनार दिखा रहे हैं, अनार। क्या यह प्रश्न आम के बारे में पूछ रहे हैं, क्या यह आम है? यह आम नहीं, अनार है। अध्यापक नाव का चित्र दिखाते हुए, क्या यह बस है? यह बस नहीं, नाव है। क्या यह बस है? यह बस नहीं, नाव है। छात्र इसी तरह क्रम से दूसरे छात्रों की ओर संकेत करते हुए यह कौन है, वह कौन है संरचना का अभ्यास करें। इस तरह बच्चे आपके कमरे में या आपके आसपास में कुछ वस्तुओं को दिखाते हुए आप ही प्रश्नोत्तर के रूप में आपके घर में अभ्यास कीजिए। बच्चे वह कौन है, यह कौन है, वह क्या है, यह क्या है, इस तरह आपके आसपास के वस्तुओं को देखते हुए आप ही अभ्यास कीजिए प्रश्नोत्तर के रूप में।